और राष्ट्रीय खेल दिवस पर बीकानेर के सेक्टर मुख्यालय बीएसएफ ने मुख्य समारोह आयोजित किया। इससे पूर्व खेल गतिविधियों को लेकर 31 अगस्त से प्रतियोगिताएं चल रही थी। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में हुए इस समारोह में सीमा सुरक्षा के बल जवानों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी और कलेक्टर कार्यालय तक दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी समेत सुरक्षा बल के जवान और छात्र छात्राएं शामिल रहे। देखिए, आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है और आपको पता है ध्यानचंद जी वॉज द ग्रेट स्पोर्ट्समैन हिंदुस्तान के लिए। उन्होंने बड़े मेडल जीते ओलंपिक्स के अंदर और ध्यानचंद जैसा जो है इंसान बहुत ही रेयर पैदा होते हैं। उसके बाद में उनको देख के प्रेरणा मिली पूरे हिंदुस्तान में खिलाड़ियों को और आज हिंदुस्तान देखिए स्पोर्ट्स में कितना अच्छा कर रहा है। अभी जो है चोपड़ा ने जो है वहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, ओलंपिक में मेडल जीता। और बीकानेर वासियों को हम इस रैली के माध्यम से कन्वे करना चाहते हैं कि फिट रहें। फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अल्टीमेटली फिटनेस ही आपको पूरी ज़िंदगी में आपको साथ देगी। युवाओं से यही प्रार्थना करना चाहती हूँ, निवेदन है मेरा कि आप अच्छे से अच्छे नए नए स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ें तथा खेलों में अपना नाम रोशन करें तथा आप आने वाले नशे और इन सब चीज़ों से दूर रहें, अपने प्रगति की तरफ अग्रसर हों। और ऐसे स्पोर्ट्स के साथ साथ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है, परंतु खेल आपके जीवन में एक अलग ही रोचक मोड़ लेके आता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।